नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, क्या आपको बार बार चक्कर आते हैं और जिसकी वजह से आपको अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है और साथ में आपके सर दर्द भी रहता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हमारे साथ है जयपुर की प्रसिद्ध और अनुभवी ENT स्पेशलिस्ट, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांगी गुप्ता। डॉक्टर शुभांगी गुप्ता आज हमें बताएंगी चक्कर आने के क्या कारण होते हैं, किन जांचों से इन कारणों का पता लगाया जाता है और क्या चक्कर आने का इलाज होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर शुभांगी गुप्ता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता ENT सर्जन जयपुर में कार्यरत हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यह सर चक्कराना या चक्कर आना या वर्टिगो क्या होता है। अक्सर लोगों को यह लक्षण होता है या फीलिंग होती है कि उनका सर चकरा रहा है, उनके चारों तरफ की चीजें घूम रही हैं। इस फीलिंग को या लक्षण को हम सर चकराना या मेडिकल भाषा में वर्टिगो भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ यह जानना जरूरी है कि पेशेंट कई बार कुछ अन्य लक्षणों से या कुछ दूसरी फीलिंग से भी वर्टिगो को कंफ्यूज करता है, परंतु वह एक्चुअली में वर्टिगो या सर चकराना नहीं होता है। लक्षण होते हैं कि जैसे हल्की बेहोशी होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कमजोरी आना, चलने में परेशानी होना। वर्टिगो या चक्कर आने की अवस्था में मरीज बिल्कुल होश में रहता है और उसे महसूस होता है कि उसके आसपास का वातावरण घूम रहा है या वह खुद घूम रहा है। दोस्तों, वर्टिगो या सर चकराना एक लक्षण है, एक सिम्टम है, यह कोई बीमारी नहीं है और यह कई महत्वपूर्ण बीमारियों का लक्षण हो सकता है। इस सर चकराने या वर्टिगो के लक्षण के साथ साथ पेशेंट को और भी कई लक्षण साथ में हो सकते हैं, जैसे बॉडी का बैलेंस खराब हो जाना, जिसके कारण वे सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनका जी मचलने लगता है, सिर दर्द होता है, पसीना आना, कान में आवाजें आना, जैसे कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। यह चक्कर आने या वर्टिगो के लक्षण किस कारण से होते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी बॉडी खुद को बैलेंस कैसे करती है ताकि इस चक्कर आने की समस्या के कारणों को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है जो हमारे शरीर की मूवमेंट और पोजिशन की जानकारी कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है। उसके बाद हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की अलग अलग मसल्स को बताता है कि शरीर की किस मसल को या मांसपेशी को कितना सिकुड़ना है, कितना ढीला होना है और किस मसल को टाइट होना है, जिससे कि हमारे शरीर का बैलेंस बना रहे, हम लड़खड़ाए नहीं, गिरे नहीं। यह काम हमारा ब्रेन बहुत तेजी से करता है। शरीर के अलग अलग हिस्से में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि शरीर की पोजीशन या मूवमेंट को सेंस करते हैं, उन्हें भापते हैं और ब्रेन को लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। इनमें पहले होता है आंखें। आंखों से देखकर हमें पता चलता है कि हम कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहे हैं। दूसरा होता है पैरों के तलवे की चमड़ी या स्किन में। इससे पता चलता है कि हमारे पांव जमीन पर ठीक से टिके हुए हैं या नहीं। तीसरा होता है शरीर की बड़ी मांसपेशियां जो कि हमारी गर्दन, पीठ, हाथों और पैरों में होती हैं। यह भी हमारी शरीर की पोजीशंस के बारे में ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं। चौथा है हमारे कान के सबसे भीतरी हिस्से में मौजूद वेस्टिबुलर अपैरेटस। यह वेस्टिबुलर अपैरेटस हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है। वर्टिगो हमारे शरीर के बैलेंस सिस्टम में हो रही किसी भी प्रकार की बीमारी का एक लक्षण होता है। जब हमारे शरीर के बैलेंस सिस्टम का कोई भी सेंसर ब्रेन को गलत इंफॉर्मेशन देता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इस कारण से व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं या वर्टिगो महसूस होता है। अधिकतर केसेस में वर्टिगो का कारण हमारे कान का सबसे भीतर भाग, जिसे इनर ईयर भी कहते हैं, उसमें हो रही कोई बीमारी या परेशानी की वजह से हो सकता है। आइए बात करते हैं वर्टिगो के कारणों के बारे में। इसमें सबसे कॉमन और सबसे आसानी से ठीक हो जाने वाला कारण है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, जिसे शॉर्ट में BPPV भी कहा जाता है। हमारे कान के इनर ईयर में
कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्रेन, शरीर और सर के मूवमेंट को सेंस करते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। इस बीमारी में यह कैल्शियम पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल जगह से हट जाते हैं और इनर ईयर के दूसरे हिस्से में जाके जमा हो जाते हैं, जिससे ब्रेन को सही तरह से सिग्नल नहीं मिल पाते हैं और पेशेंट को वर्टिगो या चक्कर आते हैं। दूसरा कारण होता है मिनियस डिजीज। इस बीमारी में इनर ईयर में एक्स्ट्रा फ्लूड भर जाता है। इस बीमारी में मरीज को चक्कर आने के साथ साथ कम सुनाई देना और कान में आवाजें भी आती हैं। अगला कारण है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और लैब्रिंथाइटिस। इस बीमारी में कान के सबसे अंदर वाले भाग में सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो नस ब्रेन को शरीर के बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे ब्रेन को सही तरह से सिग्नल नहीं मिल पाते हैं और पेशेंट को वर्टिगो या चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, यह वर्टिगो या चक्कर आने के वो कारण हैं जो कि कान की बीमारियों से रिलेटेड हैं, परंतु कुछ अन्य बीमारियों के कारण से भी वर्टिगो या चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन। इस बीमारी में मरीज को चक्कर आने के साथ साथ बहुत तेज सिर दर्द होता है। कुछ और बीमारियां जैसे कि अकॉस्टिक न्यूरोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक में भी वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्टिगो या चक्कर आने के कारणों का कैसे पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब भी आप वर्टिगो की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि यह चक्कर कब से शुरू हुए हैं, चक्कर के साथ साथ उल्टी, सर दर्द या बेहोशी तो नहीं रहती है। इसके साथ डॉक्टर आपके कानों को ऑटोस्कोप से चेक करते हैं और आँखों को ऑप्थल्मोस्कोप से चेक करते हैं। यह सभी चक्कर आने के कारणों को पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि ऑडोमेट्री टेस्ट, वीडियो निस्टैग्मोग्राफी, कैलोरिक टेस्टिंग, MRI, CT स्कैन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या का इलाज कैसे किया जाता है। वर्टिगो या चक्कर आने का इलाज डिपेंड करता है इसके कारण क्या हैं और इसकी कितनी गंभीरता है। अगर वर्टिगो का कारण बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो है तो आपको सलाह दी जाती है कि सोने से उठते समय धीरे से उठें, ऐसी एक्टिविटी जिसमें नज़र को ऊपर उठाकर देखना होता है और पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना होता है। इसके साथ डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी कराते हैं, जिसे एप्ले मैनोवर भी कहा जाता है। इस एक्सरसाइज में डॉक्टर आपके सर को डिफरेंट पोजिशंस में रखते हैं ताकि BPV में जो कैल्शियम क्रिस्टल्स एबनॉर्मल लोकेशन पर चले गए थे वो अब अपनी नॉर्मल जगह पे लौट जाते हैं। इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद ही मरीज को वर्टिगो में आराम आने लगता है, हालांकि पूरा आराम आने में 2 हफ्ते लगते हैं। अगर चक्कर आने का कारण मिनियस डिजीज है तो पेशेंट को कान में फ्लूड कम करने की दवा दी जाती है, पेशेंट को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ बैलेंस प्रॉब्लम के लिए मरीज को फिजियोथेरेपी भी दी जाती है। इसके अलावा चक्कर आने का कारण माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अकॉस्टिक न्यूरोमा या ब्रेन ट्यूमर हो तो इन बीमारियों का स्पेसिफिक इलाज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी जांचें नॉर्मल होती हैं और वर्टिगो या चक्कर आने का कारण नहीं मिल पाता है। ऐसे केसेस में भी पेशेंट का इलाज संभव है। इसका इलाज वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी से किया जाता है। इस इलाज को ब्रेन रिट्रेनिंग थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें ब्रेन को अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स को अवॉइड करें और शरीर का बैलेंस बनाए रखें। कभी कभी वर्टिगो आने का कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाना या शुगर कम हो जाना भी हो सकता है। ऐसे में आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इन बीमारियों का तुरंत इलाज लें। इसके अलावा वर्टिगो या चक्कर आने पर पेशेंट को कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे कि बीटाहिस्टिन, प्रोक्लोपराजिन, सिनेरिजिन, प्रोमेथाजिन। इन दवाइयों को 3 से 14 दिनों तक दिया जाता है और पेशेंट को इनसे आराम मिलता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वह
इन दवाइयों को घर पर रखें ताकि चक्कर आने पर इन्हें ले सकें। इसके अलावा अगर आपको वर्टिगो की शिकायत है तो मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताना चाहूँगी। जैसे कि आप ड्राइविंग अवॉइड करें, हैवी मशीनरी में काम ना करें और सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे साथ थी डॉक्टर शुभांगी गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि चक्कर आने के क्या कारण होते हैं, किन जांचों से इन कारणों का पता लगाया जाता है और क्या चक्कर आने का इलाज होता है। दोस्तों आप कान नाक गले से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर शुभांगी गुप्ता से नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द डॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।